लायंस क्लब बिनागुड़ी डुअर्स के तत्वाधान में आज बिनागुड़ी हिंदी हाई स्कूल में सार्वजनिक भोज एवं स्कूली छात्र छात्राओं से कई तरह के कॉम्पिटिशन करवाए गए, जिनमें ड्राइंग कॉम्पिटिशन, क्विज कॉम्पिटिशन और कविता कॉम्पिटिशन शामिल है एवं नृत्य गीत आदि की प्रस्तुति हुई। इस कार्यक्रम के तहत बिनागुड़ी हाई स्कूल के वृक्षारोपण का भी कार्य किया गया। आज के इस कार्यक्रम के दौरान बिनागुड़ी डुअर्स लायंस क्लब की सभापति सरिता अग्रवाल एवं सुमित कुमार सिंह, वरिष्ठ लायंस क्लब सदस्य व समाज सेवी राजकुमार अधिकारी, लायंस क्लब के सदस्य हनुमान अग्रवाल, आर्ट टीचर अमरदीप सरकी, लायंस क्लब के सदस्य समाज सेवी मोहम्मद गुलजार, विद्यालय के प्रधान अध्यापक परवेज आलम, शिक्षिका सिंधु शाही सौरेगी सहित कई लोग उपस्थित थे। इसके रहिए एनआई डिवर्स न्यूज फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने इलाकों के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहिए। काम करते हैं स्कूल में। आज बच्चों को लेकर जो आज यहाँ पर कई कंपटीशन आप लेकर करवाया, ये क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, सबसे पहले तो हम एनईआई के सभी दर्शकों को, रमन जी आपको भी धन्यवाद देते हैं और नमस्कार करते हैं। आपका सहयोग, आपका बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है जागरूकता अभियान के लिए। और ये जो बात अभी आपने उठाई कि लायंस क्लब हमेशा से ही बहुत कुछ समाज के लिए करता आया है, बच्चे हमारे देश का भविष्य है, ये बुनियाद है आने वाले कल की। अगर ये बुनियाद के अंदर हम ये चीज़ ना डालें तो धरती पे जो हम लोग आज अपना फर्ज निभा रहे हैं, तो उनके अंदर ये आनी चाहिए, ये भावना आनी चाहिए कि आने वाले कल को हमें संवारना है। ये उनकी भावना उनके अंदर हम डालना चाहते हैं, बीज के तौर पे बोना चाहते हैं, आने वाले कल में वो एक अच्छे फल के बीज के तौर पर देश के लिए खड़े हो सके, एक कड़ी बड़ी मतलब बुनियाद, अच्छी स्ट्रॉन्ग बुनियाद के तौर पर वो हमारे देश को संभालें। क्या क्या कार्यक्रम आज आयोजित हुआ आप लोगों के नेतृत्व में, लायंस क्लब के नेतृत्व में? इन बच्चों के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं होती है, छोटी जगह हमारा रिमोट एरिया है, उन्हें प्रतिभाओं को अपनी दिखाने का मौका बहुत कम मिलता है, तो हम चाहते हैं कि वो बच्चे सबसे पहले आगे आए, उनके अंदर क्या प्रतिभाएं छुपी हुई है वो दिखाएं, पार्टिसिपेट करें। विनिंग और नहीं हारना और जीतना कि हमारा मकसद नहीं था, हमारा मकसद था कि बच्चे अपने टैलेंट को सबके सामने लेकर आए, जिसकी वजह से आज हमने यहाँ पे स्टोरी टेलिंग कंपटीशन करवाया था विद एक्शन, काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत ही अच्छा रोल उन्होंने निभाया। इसके अलावा हमने यहाँ पे पीस पोस्टर कॉन्टेस्ट भी रखा था, जिसमें शांति के ऊपर, विश्व शांति के ऊपर हमने थीम रखी थी, उसके ऊपर भी इन्होंने बहुत अच्छा पोस्टरिंग करा है। इसके साथ हमने ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम रखा था और साथ ही साथ हम सारे बच्चों के लिए, सभी के लिए, अभिभावक के यहाँ पे जो भी टीचर्स हैं उन सभी के लिए स्वादिष्ट भोजन का भी हमने आयोजन करा है। और इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे धूपगुड़ी, वहाँ एक वृद्धा आश्रम है और वृद्धा आश्रम में पूजा का माहौल है, हम उन सभी के लिए साड़ी का भी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखे हुए हैं। आपका परिचय, वैसे आप परिचय की मोहताज नहीं है जी, आप सभी का प्यार है। मैं लायंस क्लब बिनागुड़ी डुअर्स से सरिता अग्रवाल, प्रेसिडेंट हूँ, लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 322F। मेरे साथ हमारे बीच हमारे गेस्ट आए हुए हैं, सुमित जी नागराकटा से, और हमारे हाजी साहब हैं हमारे साथ, हमारे स्कूल के टीचर और प्रधान अध्यापक सर मौजूद हैं, सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया, सभी टीचर्स ने आज सुबह से हमारे साथ जिस तरह से मेहनत करी है, हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने ये मौका हमें दिया है और आगे भी हम इनकी सेवाओं के साथ खड़े हो सके ये आशा हम करते हैं और ये विश्वास भी दिलाते हैं। थैंक यू। कार्य यहाँ पर हुए, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी NGO ने इतना सुविचार और लोक कल्याणकारी प्रोग्राम लेके मेरे स्कूल में फर्स्ट टाइम आया, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ लायंस क्लब ऑफ बिनागुड़ी को, जिनके दिल में ये बात जगी कि बिनागुड़ी हाई स्कूल में एक प्रोग्राम चौकआउट किया जाए। हम लोगों को बहुत ही प्रसन्नता है और पूरा विद्यालय हम लोग बहुत ही खुश हैं कि इस तरह के प्रोग्राम ज़्यादा कदा होते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चों में एक सर्वत्र चारों तरफ मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है और बच्चों को पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है, बहुत अच्छी बात है, इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। सर आपका परिचय? मैं हेडमास्टर बिनागुड़ी हाई स्कूल परवेज आलम। टीचर्स की कमी है, आप आए होंगे, रोड भी काफ़ी ख़राब लगा है, बहुत खराब, ऐसे में आप लोगों ने यहाँ पर एक खुशी का माहौल बनाया, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं स्कूल के प्रधानाध्यापक को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें लायंस 322F, हमारा डिस्ट्रिक्ट का नाम है 322F,
उस डिस्ट्रिक्ट का मैं एनवायरनमेंट का टीम लीडर हूँ। तो हमारा आज का थीम तो ये एनवायरनमेंट लेके ही है, इसके साथ में हमने बहुत प्रकार के कार्यक्रम किए, जैसे पीस पोस्टर हुआ विश्व शांति के लिए, इसके बाद में बच्चों ने नृत्य का प्रदर्शन किया, ड्राइंग का कंपटीशन हुआ, फूड फॉर ऑल का एक्टिविटी हुआ। और हम बच्चों से यही संदेश देना चाहते हैं, आज हमारा पृथ्वी ये खतरे में है, इस पृथ्वी को बचाना, ये हमारे बच्चे जो हैं ये हमारे भविष्य हैं, बच्चे भविष्य हैं, और पेड़ पौधे का यदि रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा पृथ्वी खतरे में रहेगा। इसलिए मैं इन्वायरमेंटल टीम के तरफ से सभी को, और सबसे ज़्यादा जो हमारा ये जो एडवर्टाइज़ कराते हैं झा साहब, रमन झा साहब जी जी, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे हर एक कार्यक्रम में मैं देखता हूँ इनका योगदान रहता है, क्योंकि आजकल मीडिया ही एक माध्यम है जिसके द्वारा बच्चे, ये हर एक बच्चे को पता है कि मीडिया के द्वारा हम कुछ जान सकते हैं, तो इसमें आप लोग का बहुत बड़ा योगदान रहता है, इसके लिए मैं आपको बहुत मैं सुमित कुमार सिंह, डिस्ट्रिक्ट 322F लायंस क्लब का टीम लीडर हूँ इन्वायरमेंट। आज बहुत ही खुशी का माहौल बच्चों में देखा जा रहा है, नृत्य से लेकर ड्राइंग कंपटीशन, बहुत सारे कार्यक्रम हो रहा है लायंस क्लब की ओर से, और आप काफ़ी सक्रियता से इस चीज़ को बच्चों से करवा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे जी? हमें हमारे अध्यापक जी ने, प्रधानाध्यापक जी ने हमें कहा कि कल ही हमें ये पता चला कि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, तो मुझे और एक कामती सर है दोनों को ये कार्यभार संभालने के लिए दिया गया था, लेकिन सभी टीचर्स ने अपनी बखूबी निभाई है अपना कर्तव्य, और सारे बच्चे इसमें मदद कर रहे हैं। हमारे बिनागुड़ी के इतिहास में ये पहली बार है कि लायंस क्लब के टीम यहाँ पे आए हैं और बच्चों का इतना उत्साह भरा रहे हैं। थैंक यू जी। मेरा नाम सिंधु साहू सरोगी है।